ये सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टी एस है, ये सैमसंग गैलेक्सी फिफ्टी एस है। नो ऑफ लोग सैमसंग गैलेक्सी A51। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी A50s और A51 में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। हालांकि बैक कैमरा भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो सारे स्पेसिफिकेशंस A50s जैसे ही हैं। पर एनीवे, सैमसंग गैलेक्सी A51 हमारे पास आ चुका है और आज वीडियो में मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दिखाने वाला हूँ। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है खास सैमसंग के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी A51 में। तो सबसे पहले हम सैमसंग गैलेक्सी A51 के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा चेंज है। अब आपको वाटर ड्रॉप शेप नहीं बल्कि एक छोटा सा पंच होल मिल जाता है, जिसको कंपनी इन्फिनिटी ओ कहती है। साथ साथ बेजल देखेंगे तो एकदम ना के बराबर है। इनफैक्ट चिन भी जो है वो बहुत ही स्लीक हो गया है। फोन में आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, जो कि सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी से लैस है, और इस पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ये आपको जरूर पसंद आएगी। इसका डिस्प्ले शार्प है, वाइब्रेंट है और ब्राइट है, और डॉल्बी एटमोस साउंड टेक्नोलॉजी की वजह से आप इसमें अपने सभी म्यूजिक वीडियोस को अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे। इसकी एक अच्छी बात और है कि इसमें आपको एज लाइटिंग फीचर मिल जाता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो साइड में लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी, पर आप देख सकते हैं कि इसमें एलईडी नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है, तो आपको इस एज लाइटिंग या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से ही काम चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट बड़े चेंज की, तो वो है इसका कैमरा। आपको बता दूं कि प्राइमरी सेंसर सेम है, यानी 48 मेगापिक्सल का, बाकी जो तीन सेंसर हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, यानी एक एडिशनल भी आ गया है इस बार इसमें। आपको इसमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, एक 48 है जो कि रेगुलर फोटो क्लिक करता है, दूसरा 12 मेगापिक्सल का है जो कि वाइड एंगल फोटोज क्लिक करने का काम आता है, तीसरा सेंसर जो है वो मैक्रो लेंस है, और चौथा जो है 5 मेगापिक्सल का सेंसर वो डेप्थ सेंसिंग के काम आता है। आप इसके रियर कैमरा से 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टेबलाइजेशन के लिए इसमें EIS टेक्नोलॉजी दी गई है, और इसमें सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो इस छोटे से पंच होल में आपको 32 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है। आई एम श्योर कि आपको इस फोन कैमरा क्वालिटी जरूर पसंद आएगी। और आपको अब मैं इसका कंपैरिजन OPPO F15 से दिखाता हूं, क्योंकि वो भी लगभग इसी प्राइस रेंज पे हाल ही में पेश किया गया है। डिजाइन की बात की जाएगी तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में यहाँ पर भी कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिलता है, एक्सेप्ट फॉर द कैमरा मॉड्यूल जो कि ऐसे बॉक्स शेप में आ गया है, और बैक पैनल का पैटर्न थोड़ा सा अलग कर दिया है। लेकिन अगर लुक्स देखेंगे तो सिमिलर टू A50s ही है, सेम कर्व्ड एजेस दिए हैं, पॉलीकार्बोनेट की कंस्ट्रक्शन है, ग्रिप भी ऑलमोस्ट सेम है इसकी, साथ साथ चार्जिंग के लिए इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि लुक वाइज डिसअपॉइंट करेगा, लुक वाइज इंप्रेसिव है, पर कुछ नयापन नहीं है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A51 में आपको वही सेम चिपसेट मिलता है जो कि आप सैमसंग गैलेक्सी A50s में देख चुके हैं, यानी कंपनी ने खुद का एक्सिनॉस 9611 चिपसेट। इसमें आपको 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, और दूसरा वेरियंट जो है वो 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज है। आप इसकी मेमोरी को डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट के जरिए एक्सपैंड भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा आपका इसमें। HDR मोड पर आप इसमें पबजी गेम चला सकते हैं, कोई हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलता, और कोई लैग देखने को भी नहीं मिलता, और डे टू डे लाइफ में तो ये एकदम मक्खन स्मूथ काम करता है। मैं बात करें इसकी बैटरी की तो कंपनी ने सेम 4000mAh की बैटरी दी गई है, अगेन जस्ट लाइक सैमसंग गैलेक्सी A50s, और हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में लगभग 16 घंटे तक सर्वाइव कर पाई।
वहीं चार्जिंग में ये फोन 0-100 होने में लगभग 2 घंटे लेता है, क्योंकि 15 वाट की चार्जिंग इसमें आपको मिल जाती है। भले ही इस फोन में बहुत सारे चेंजेस नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात हमें जरूर लगी और वो ये कि इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिल जाता है विद वन यूआई 2.0 ऑन टॉप ऑफ इट। इसके ब्लोटवेयर काफी कम है, सॉफ्टवेयर काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है, साथ साथ सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको फेस अनलॉक मोड मिलता है जो कि काफी अच्छा है और लो लाइट सिनेरियो में भी बेहतरीन काम करता है, और अगर आपकी आंखें बंद हैं तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट नहीं करेगा, यानी ये सिक्योर भी है। इसके साथ साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि एक्यूरेट है और फास्ट है। इसके अलावा इसमें कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि बिक्सबी, फोकस मोड और किड्स होम। एक्स्ट्रास की बात करें तो इसमें मिलता है डुअल 4G मल्टी सपोर्ट, OTG सपोर्ट, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, NFC, FM रेडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, नेटिव वीडियो कॉलिंग और Wi-Fi सिक्योरिटी लेवल L1, सब कुछ ही कंपनी ने इसमें दिया है। अब अन बात आती है सैमसंग गैलेक्सी A51 के वर्डिक्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हालांकि इसमें मेजर चेंजेस नहीं किए गए एक्सेप्ट फॉर द डिस्प्ले, द कैमरा एंड द सॉफ्टवेयर, पर फिर भी 23,999 रुपये कीमत पर ऑफ एंड मार्केट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। पर यहाँ पर दो चीज़ें हैं, पहली तो ये कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी A50 या फिर A50S है और आप उसे बेचकर इसे खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल मना करूंगा। दूसरी कि पोको बहुत जल्द भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन X2 लॉन्च करने वाली है जो कि सिमिलर प्राइस रेंज पे पेश किया जाएगा और उसके स्पेसिफिकेशन भी काफी दमदार है, ऐसे में सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा। पर एनीवे, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ। ये क्या बना दिया मेरे चेहरे पे, मिट नहीं रहा ये।